अच्छा, अपकमिंग गेस्ट नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी 2023 में जो 24 जनवरी को जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसकी अपकमिंग गेस्ट है ईशा कोपीकर, सोली खान जो सैफ अली खान साहब की बहन है वो आ रही है, दलेर मेहंदी साहब जो हम लोग ये टेंटेटिव गेस्ट बता रहे हैं आपको, दलेर मेहंदी साहब आ रहे हैं, कैप्टन गोपी शेट्टी साहब आ रहे हैं जो इंडिया स्काउट जो सिख स्काउट है उनके प्रेसिडेंट है वो भी आ रहे हैं, कैप्टन मानिक आ रहे हैं जो उनकी एक एकेडमी जो पायलट बनाते हैं, ये बहुत अच्छे आदमी कैप्टन मानिक जो बचपन से गरीब से आके हुए एक आदमी कैप्टन बना और आज लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, सभी को ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो भी इस अपकमिंग प्रोग्राम में आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गेस्ट है, सेलिब्रिटीज है जो आपको आने वाले दिनों में मालूम पड़ता रहेगा जो इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, कुछ सेंट्रल मिनिस्टर भी इस प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, दुबई से शेख मजीद आ रहे हैं जो रूरल है दुबई के वो आ रहे हैं, बू अब्दुल्ला, ऐसे बहुत सारे गेस्ट आपको इस बार देखने के लिए मिलेंगे। और ये प्रोग्राम थोड़ा हटके होगा क्योंकि ये हमारी दूसरी वर्षगांठ है, मतलब 2 साल नेल्सन मंडेला को 24 जनवरी में जहां से सफर चालू किया था 2 साल नेल्सन मंडेला अवार्ड एकेडमी को हो जाएंगे। मेरा नाम जितेंद्र बल्लाड़कर है और मैं तेंचो एजुकेशन सिस्टम चला रहा हूँ, लेकिन लास्ट 2 ईयर से मैंने देखा है कि नेल्सन मंडेला का जो काम चल रहा है पीस अवार्ड, नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड का जो काम चल रहा है वो सोशल के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और यहाँ पर जैसे कि अनाथ बच्चों को भी पढ़ाया जाता है और कैंसर के जो लोग हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट दी जाती है, तो सोशल में बहुत ज़रूरी है ये मैं समझता हूँ। तो जब भी नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड्स का जो भी आगे काम चलता रहेगा तो हमेशा मैं इनके साथ सपोर्ट में रहूँगा, ये मैं गवाही देता हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है कि फील हो रहा है कि ये काम अपने सोशल में हो रहा है, तो कंटिन्यूसली मैं जैसे आह्वान करता हूँ कि बहुत सारे लोग ये करना चाहते हैं तो हम सब मिलकर अगर सपोर्ट करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा रहता है। अपकमिंग जो इवेंट आ रहा है हमारा जो 24 जनवरी को 2023 ऑर्चिड होटल में, उसमें सर को भी हम अवार्ड से नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड 2023 से सर को भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। सर, मैं डॉक्टर जोशुआ इमैनुअल जो नेल्सन मंडेला के सेक्रेटरी है और हमारे राजकुमार साहब के साथ में पिछले 2 साल से नहीं करीबन 20 साल से हूँ, और उनका स्वभाव, उनका जो सेवा करने का जो भाव है वो देखकर हम हर समय प्रेरित होते हैं। और नेल्सन मंडेला ने आज तक जो जो काम किए हम ये खुद सुने भी है, देखे भी है, उसके साथ साथ आकृति लाइफ फाउंडेशन जो मैं खुद उसका संस्थापक हूँ उसमें भी वो हमें मदद करते हैं, सहायता करते हैं, जो बच्चों को हॉस्टल में हेल्प करते हैं, तो ये विविध जो प्रोग्राम्स और कार्यक्रम जो होते हैं वो केवल सिर्फ एक प्रमोशन नहीं पर उसके ज़रिए बहुत सारे सोशल वर्क और बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर जो लोग का चेहरा कोई जानते नहीं है उन लोगों को उस तख्ते से उठाकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आकर उस जगह पर उनको अवार्ड देना, उनको डॉक्टरेट देना, ये एक सम्मानित बात है। 10 सेकंड में पूरा जो से आइदर यूरिन और वॉमिट इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू ड्राई जेल, उसकी पूरी बदबू वगैरह निकल जाएगी। फर्दर यू थ्रो दिस बैग इन टू से किसी पेड़ के नीचे, इट विल गेट कंपोस्टेड विद इन 8 डेज। ओके, एंड द मटेरियल साइड जहाँ पर आपको दिन में 100 लीटर पानी देना है उसकी जगह अब सिर्फ 30 लीटर पानी पीजिए। ग्रेट, तो सब तक ये प्रोडक्ट, ये जिनका जो इन्वेंशन है, इनका बोलने का मतलब ये है कि हर जगह पे पहुंचना है, और नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी ये जो एनजीओ है ये इसको सपोर्ट करेगा, सदगति सोशल फाउंडेशन है, टेंसो है, सुहाई हमारे साथ में, तो इन सब के मदद से हम इसको घर घर तक और लोगों को बताएंगे कि भाई पानी बच रहा और साफ सफाई की बात है तो क्यों नहीं, हाइजीन तो हर जगह को चाहिए। मैं दीपक सावंत और 48 साल से मैं श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करता हूँ, आज भी करता हूँ, उनको खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूँ और उनको कुछ खूबसूरत बना के लोगों के सामने लाने की भी कोशिश करता हूँ। ये सब करते करते मुझे ऐसा लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो देश के लिए कुछ करना चाहिए तो मैंने इसके ऊपर सोचा और कुछ इनोवेशन करने का मेरे दिल में दिमाग में आ गया है। गए साल 21 को टाग साहब ने नेल्सन मंडेला
नोबल पीस अवार्ड मुझे दिया। मैं डॉक्टर नहीं था लेकिन मुझे डॉक्टर बना दिया गया। तो बनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर और भी थोड़ी जिम्मेदारी आई है और मुझे और अच्छा काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमने कुछ 11 इनोवेशंस किए। वो 11 इनोवेशंस गरीबों के लिए है, जितने गरीब है उन लोगों के लिए है। लोग करते हैं, बहुत सारे इनोवेशंस करते हैं, 2-4, 5-50, 100, 200 इन लोगों के लिए करते हैं, एक संस्था के लिए करते हैं, दूसरी छोटी संस्था के लिए करते हैं। हमारा इनोवेशन है पूरे देश के लिए, पूरे देश के गांवों के लिए। तो ऐसा इनोवेशन करने के लिए अवार्ड मिलने के बाद टाक साहब ने जो मुझे अवार्ड दिया है और नेल्सन ने मुझे जो इज्जत दी बख्शी है, इसके लिए मुझे ऐसा बार बार लगता है कि नहीं, देश के लिए जो भी कुछ कर सकता हूँ वो करूँगा। राजीव हलवाई, नासिक से बिलोंग करती हूँ और मेरे करियर की शुरुआत मैंने डायरेक्ट सेलिंग से 10 साल पहले स्टार्ट किया और मार्केट में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखते हुए काफ़ी चीज़ें देखी और सबसे मेन चीज़ ये देखी कि हिंदुस्तान में रोज़गार को लेकर स्पेशली कोविड के बाद वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम आई, बट हम अपने देश के लिए मैं बात करना चाहूँगी कि हमने बहुत सारी चीज़ें हमारे दिलों दिमाग में आई कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर एक के साथ मिलके करेंगे तो ज़्यादा इसमें हमें प्रोग्रेस मिलेगी हमारी कंट्री को। तो इसके चलते हमने एक एजुकेशन एकेडमी टेंचो के साथ मेरी एकेडमी स्वाई को मैंने कनेक्ट किया और हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि एक हाथ में काम लिया है कि पूरे हिंदुस्तान में हमें लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक एजुकेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं करेंसी ट्रेडिंग की, मार्केट की, जिसमें हम हर शहर में, हर गाँव में, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को बिना कोई फीस लिए एजुकेशन देने का जो कार्रवाई है हम 2 जनवरी को इसकी शुरुआत कर चुके। इसमें हमारे साथ जो है नेल्सन मंडेला, जिसमें मैं आज डे 1 से 2 साल से जब से ये डे 1 से स्टार्ट हुआ है, आदरणीय डॉक्टर राजकुमार टाक सर को जानती हूँ और सर के साथ इसके हर कार्यक्रम को मैंने देखा कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला NGO सारी दुनिया में लोगों की मदद के लिए ये जो कार्यक्रम है आयोजित कर रहे हैं। और इसी के चलते मुझे भी श्री डॉक्टर राजकुमार टाक जी के द्वारा डॉक्टरेट यहाँ पर दिया गया, सम्मानित किया गया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। साथ ही साथ हम इस एकेडमी के साथ अब लाइफ टाइम जुड़ के रहेंगे, ये हमने डिसीजन लिया है। टेंचो सोई दोनों जो हैं इस एकेडमी का एक हिस्सा बन चुके हैं कि इस सामाजिक कार्य में जो इनका योगदान है उसमें हमें अपना एक छोटा सा योगदान करना चाहते हैं हमेशा।